नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा टल गया है। उन्हें 16 और 17 अक्टूबर को उत्तराखंड आना था, लेकिन अब वो 29 और 30 अक्टूबर को आएंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक ये कहा गया है कि व्यवस्था के चलते गृह मंत्री अब नई तिथियों पर ही आएंगे। उनके 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना है। वहीं कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा और पार्टी शाह का एक सार्वजनिक कार्यक्रम कराने का वर गंभीरता से विचार कर रही है और अनुमति मिलने पर इसे अंतिम रूप भी दिया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन के सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों पर सभी 70 विधानसभा सीटों में प्रवास करने के निर्देश दे दिए हैं। सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों को भ्रमण के लिए विधानसभाएं बांट दी गई है। और वहीं बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह 16 और 17 अक्टूबर को उधम सिंह नगर में जिले की विधानसभाओं का दौरा भी करेंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इनके अलावा सह चुनाव प्रभारी लोकेट चटर्जी कुमाऊं में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले की विधानसभाओं का दौरा करेंगे। संगठन की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा को टिहरी और पौड़ी जिले की विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करना है। वहीं पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून और हरिद्वार जिले की विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की चुनावी गतिविधियों को परखने आएंगे। पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में दीवार लेखन अभियान शुरू कर दिया है। हर बूथ पर 10 दीवारों पर लेखन होगा और दीवारों पर अब की बार 60 पार और बूथ जीता चुनाव जीता नारे लिखे जाएंगे। केंद्रीय व्यवस्था के तहत तो 5 दीवारों पर लेखन होगा और बुद्धिजीवी नेताओं के सम्मेलन होंगे। 20 अक्टूबर से ही 3 नवम्बर तक मेरा परिवार भाजपा अभियान चलेगा। आज दशहरा का पर्व है और दशहरा को लेकर पूरे देश में धूम है, लेकिन इस बार देहरादून का इतिहास दशहरा पर्व से पहले बिल्कुल अलग होगा और इस पर सिर्फ रावण का पुतला दहन होगा। लंका का स्वरूप भी अलग होगा। कार्यक्रम में कोई चीफ गेस्ट भी नहीं होगा। छोटी सी लंका, छोटा सा दशहरा दून में मनाए जाने की तैयारी है। पिछले 74 सालों से बन्नो बिरादरी के लोग दशहरे पर्व का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में करते आए हैं और इस बार परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काम चल रहा है, जिस वजह से कार्यक्रम बन्नू स्कूल में ही होगा। लेकिन कोविड की आशंका को देखते हुए कार्यक्रम बहुत सीमित रखा गया है और इस बार सिर्फ करीब 45 फीट का ही रावण बनाया गया है, जबकि रावण के साथ जलने वाले मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी नहीं बनाया गया है। लंका का स्वरूप भी छोटा सा रखा गया है। साथ ही कोई भी चीफ गेस्ट कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं है। जो भी लोग यहां पहुंचेंगे उन्हें मास्क, सैनिटाइजर सहित तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोविड की आशंका को देखते हुए ये कार्यक्रम सीमित रखा गया है ताकि भीड़ ना हो। पहले के दिनों में देहरादून में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व पर करीब 1.25 लाख लोग शामिल होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। किसी को कोई निमंत्रण नहीं है, ना ही कोई बड़ा कार्यक्रम है। इस वजह से सैकड़ों की संख्या में ही लोगों के आने की उम्मीद है। सालों से पर्व का आयोजन कर रहे लोगों का कहना है कि इस बार बहुत सक्षम आयोजन रखा गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दलों में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। फिलहाल ये सिलसिला कांग्रेस और बीजेपी में जारी है ताकि तिबाऊ कैंडिडेट को तोड़कर अपनी पार्टी में ही शामिल कराया जाए और किसी भी तरीके से पार्टी को सरकार बनाने तक पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी इस मामले में फिसड्डी नजर आ रही है और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 3 से 4 महीने का वक्त है। ये 3 महीने हर राजनीतिक पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस वक्त में ही पार्टी को जनता के बीच पहुंचकर पैठ बनानी होती है और अपने लिए तिबाऊ कैंडिडेट का तलाश भी करना होता है। उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होगी। यही वजह है कि पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में जुट गई हैं। दल बदल पर सरकार भी तरह से पार्टी को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसमें सबसे आगे बीजेपी और कांग्रेस दिखाई दे रही है और बीजेपी के कांग्रेस को पहले का झटका देकर विधायक
राजकुमार और निर्दलीय दो विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य को कांग्रेस में शामिल कर दिया है। लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी ने शुरू की जो राज्य में अब तक जारी है, और वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही तोड़फोड़ का रहा है। उत्तराखंड छोटा राज्य होने के नाते राजनीतिक पार्टियों को सियासत का सॉफ्ट टारगेट लगता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की सियासत में दस्तक देकर भाजपा और कांग्रेस को चौकासा दिया है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये दावा करती रही है कि उनके संपर्क में बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक हैं, लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी में एक भी बड़ा चेहरा शामिल नहीं हुआ है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब देखकर आम आदमी पार्टी ने चुनावी रणनीतियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के प्रभारियों की नियुक्ति के जरिए टिकट के दावेदार तय कर दिए हैं। टिकट के मामले में आप दूसरी पार्टियों में से आगे निकलती दिख रही है, तो वहीं प्रभारी नियुक्त करने के बाद पार्टी के अंदर बगावत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर के सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं, और अब तक पार्टी 22 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर चुकी है जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इन नेताओं को टिकट मिलना तय है। आप टिकट बंटवाने के मामले में भाजपा और कांग्रेस से आगे निकलती दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का साफ तौर पे कहना है कि पार्टी ने चुनावी की रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ऐसे में विधानसभा सीटों के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो टिकट के दावेदार भी होंगे, यानी उन नेताओं को टिकट मिलना लगभग तय हो गया है। दिनेश मोहनिया ने यह भी साफ कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नवंबर तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। उसी सिलसिले में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है ताकि ये अपनी सीटों पर बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक टू व्हीलर पर पीछे बैठकर हथौड़े से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। वीडियो किसी दूसरे युवक ने सड़क चलते बना लिया था और जिसके बाद वीडियो पुलिस के हाथ भी लग गया है। उधर मामले पर पुलिस भी अपनी ओर से छानबीन कर रही है और कोशिश कर रही है वीडियो के पड़ताल करने की। वहीं वायरल वीडियो राजपुर रोड का बताया जा रहा है। एक युवक हाथ में हथौड़ी लिए सड़क किनारे बनाए गए बॉर्डर को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक लगातार हथौड़ी से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को भी इस बात को लेकर आश्चर्य है कि कैसे कोई इस तरह की हरकत कर सकता है। वीडियो पुलिस के हाथ भी लग गया है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार जो युवक हथौड़े से बॉर्डर तोड़ रहा है कौन, क्योंकि वीडियो शाम के समय का बताया जा रहा है। इसलिए पुलिस ने फिलहाल स्कूटी के नंबर के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मामले में एसपी का भी ये कहना है कि वीडियो संज्ञान में आने के बाद इसको लेकर जांच की जा रही है और मामले की पड़ताल भी हो रही है। पुलिस पता कर रही है कि युवक कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, सरकारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, और इसकी पूरी जांच हो रही है। विधानसभा में नौकरी लगवाने के झांसा देकर तीन युवकों को ठग लिया गया है। उन्होंने सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर भर्ती कराने को कहा था, इसकी एवज में ही उनसे 9 लाख रुपए लिए गए हैं और आरोपी ने खुद की पहचान राज्यपाल और उच्च अधिकारियों से होने की बताई है। अब ना नौकरी लगवाने की बात सामने आई है, वहीं पर रुपए वापस किए गए ना मामले पर। इसमें एसएसपी का कहना है कि जो शिकायत करता है वो यशपाल सिंह निवासी नेहरू कॉलोनी का बताया जा रहा है। उनकी मुलाकात प्रवेश खडूरी निवास कारगी चौक बंजारा वाला रोड से हुई थी और प्रवेश ने यह भी कहा कि उसकी जान पहचान के व्यक्ति हैं जो विधानसभा में सरकारी नौकरी लगवा सकता है। जो व्यक्ति नौकरी लगवाएगा उसकी ONGC के डायरेक्टर से अच्छी जान पहचान है और उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल का खास व्यक्ति है। इसके बाद प्रवेश खंडूरी ने
अनिरुद्ध शर्मा निवासी पशुपति हाइट्रिस टर्न यूनिवर्सिटी रोड मोथरो वाला से ही मिलवाया है और अनिरुद्ध शर्मा ने कहा कि 8 लोगों को नौकरी पर लगा सकते हैं। बताया नौकरी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर लगेगी और 1 महीने में नियुक्ति पत्र मिले जाएगा और 1 व्यक्ति की नौकरी के नाम पर 10 लाख की डिमांड की विश्वास में लाने की भी स्पीकर ऑन बात की गई है। जिस व्यक्ति से बात की गई उसको ONGC का डायरेक्टर बताकर सोची समझी चाल चली गई है। विश्वास में आकर रिश्तेदारों से कर्ज लेकर 3-3 लाख रुपए, कुल 9 लाख रुपए और शोषित प्रमाण पत्र दे दिए गए। पैसा लेने के बाद किसी न किसी बहाने से टालता रहा पीड़ित को और बताया ये भी जा रहा है कि 9 महीने बीतने के बाद भी पैसा वापस नहीं दिया गया। पुलिस के अनुसार मोहन सिंह, अतुल रावत और यशपाल सिंह इसमें ठगी शिकायत पर प्रवेश खंडूरी निवासी कारगी चौक बंजारा वाला अनिरुद्ध शर्मा निवासी के खिलाफ मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है और मामले की पड़ताल की जा रही है। हरिद्वार जिले में नारकोटिक्स सेल ने पथरी थाने की पुलिस को हाथ साथ लेकर गाड़ोवाली गांव में छापा मार कर नशे का जखीरा बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 32 ग्राम स्मैक, 0.5 किलो चरस और 88,000 की नगदी भी बरामद की गई है। छानबीन में पता चला है कि इस गांव में तस्कर आसपास के क्षेत्र में गांजा और चरस बेचते थे। वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और जिस पर नारकोटिक्स सेल प्रभारी मनोज कुमार मेनवाल ने नशे का धंधा करने वालों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया था और मुखबिर से सूचना मिलने के बाद इंस्पेक्टर मनोज मेनवाल ने अपनी टीम और पथरी पुलिस के साथ मिलकर बुधवार रात गड़ोवाली गांव में छापा भी मारा था। इस कार्रवाई में 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और उनसे स्मैक और अच्छी खासी मात्रा में चरस भी बरामद हुआ है। साथ ही चरस और स्मैक बेचकर जुटाई गई 88,000 की नकदी भी मिली है। आरोपियों ने अपने नाम गुलजार और अफजान जाल निवासी गाड़ोवाली पथरी बताया है और थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने यह भी जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। नारकोटिक्स सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज मेनवाल का साफ तौर पर कहना है कि समाज को नशा मुक्त करने में आमजन को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि नशे के धांधलेबाजियों को की कीमतों को बख्शा ना जाए और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए अभियान जारी रखने के भी उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे दिए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।